क्या 1 महीने में आप नेट की तैयारी कर सकते हैं? अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं तो कौन से इम्पोर्टेंट पॉइंट को ध्यान रखना होगा? क्या सिर्फ आपको पढ़ लेने से सिलेक्शन हो जाता है, या आपको 600 प्लस नंबर लाना है तो किन बातों का ध्यान देना होगा, कैसे करनी होगी तैयारी, क्या होगा आपका स्ट्रेटजी, इन सारे पॉइंट्स पे इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है नीट शास्त्र में, जहां हम नीट की तैयारी करने वाले एस्पिरेंट्स को रेगुलर अपडेट देते हैं हर इन्फॉर्मेशन से, हर स्ट्रेटजी टिप्स ट्रिक्स और हर इंपॉर्टेंट वीडियोज़ के थ्रू। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम रेगुलर बात करेंगे कई पॉइंट्स पे, कई एस्पेक्ट्स पे, कि किन पॉइंट्स का आप ध्यान देंगे जिनकी वजह से आप भी 600 प्लस पा सकते हैं, आप भी एक मेडिकल कॉलेज पा सकते हैं, व्हाइट कोट आप भी लगा सकते हैं, और आपको एक मोटिवेशन मिलेगा इससे, एक स्ट्रेटजी मिलेगी, एक पाथ मिलेगी जिसे चल के आप 1 महीने में भी 600 प्लस नंबर पा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, दोस्तों तक शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए ऐसे इंपॉर्टेंट वीडियोस बहुत सारे इस चैनल पे आने वाले हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे डूज और डोंट, क्या आपको करना चाहिए, क्या आपको नहीं करना चाहिए। डूज इधर है, सबसे पहली बात, जब आप पेपर करें, पेपर के दिन की स्ट्रेटजी आपको बता रहे हैं, तो आप इजी क्वेश्चन पहले करने की ट्राई करें। तो आप सोचेंगे इजी क्वेश्चन कैसे हम शॉर्ट आउट करेंगे, कहने का मतलब कि जो क्वेश्चन आपको एक बार में करने से हो जाए उसको करते जाइए, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ लगे उसको स्किप करिए, मतलब वो टफ हो गया, जो आपको थोड़ा टाइम टेकिंग लग रहा है उसको आप स्किप करिए, पहले वो क्वेश्चन करते जाइए जो आपको आते जा रहे हैं। ठीक है, दूसरा चीज, वो सेक्शन आप चूज करिए जिसमें लेस रिस्क मोर गेन हो। ऐसा सेक्शन सिर्फ आपके लिए एक ही है, वो है बायोलॉजी। दोस्तों, बायोलॉजी आपके लिए ऐसा सेक्शन है जो आप में लेस रिस्क है, अगर आपने पढ़ा है तो अच्छा मार्क्स पाएंगे, और आपने उसमें अच्छा मार्क्स पाएंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे कि आप एक बेहतर रिजल्ट पाएंगे, तो वो तो साथ पाएंगे ही दोस्तों। उसके साथ आपका ये होगा कि एक स्कोरिंग नंबर होता है आपका, 180 क्वेश्चंस में से 90 क्वेश्चन आप पहले कर लेते हैं तो आपका एक माइंडसेट बन जाता है कि हमने एक अच्छा खासा पोर्शन कर लिया। फिर आपको केमिस्ट्री करना चाहिए, फिर आपको फिजिक्स करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये स्ट्रेटजी अपनाने से आप बेहतर रिजल्ट पा सकते हैं कम समय के अंदर। फिर उसके बाद क्वेश्चन को आप 5 मिनट के लिए एक बार स्क्रॉल करके पूरा देख लीजिए कि क्वेश्चंस किस लेवल के हैं, कैसे हैं। ये दरअसल ऑफलाइन पेपर में किया जाता था, पर अगर ऑनलाइन पेपर आपका होता है तो आप ये क्वेश्चंस ये तरीका नहीं करेंगे। ऑफलाइन पेपर होगा तो एक बार क्वेश्चन को पूरा देखेंगे कि किस तरह के पेपर में क्वेश्चंस आए हैं, उससे एक माइंडसेट बनता है कि हमको कैसे करना है, क्या करना है। ठीक है, उसके बाद टाइम, अपने एग्ज़ाम टाइम में हमेशा देखते रहना है कि टाइम क्या चल रहा है आप, क्योंकि ऐसा होता है कई बार बच्चे पहले एक ही सेक्शन करने में बहुत टाइम लगा देते हैं, इसलिए अगर आप बार बार टाइम का देखते रहेंगे तो आपको एक अंदाज़ा रहेगा कितना आपके पास टाइम बचा है, कितना आपको टाइम और लगाना है। ऐसे कुछ डोंट दिए हैं दोस्तों, इनको आप पढ़ेंगे डोंट्स को, कि क्या आपको करना है, क्या नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे थोड़ा आते हैं, वीडियो को लंबी नहीं करते, इसलिए आप खुद इसको पढ़ेंगे। मैंने फैक्ट्स को लिख रखा है, उस फैक्ट्स को आप पढ़ लेंगे एक बार, आपके लिए वो इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पहली बात कि बिल्ड योर इम्यूनिटी टू स्टे फिजिकली मेंटली फिट। दोस्तों, आपको फिजिकली और मेंटली फिट होना बहुत ज़रूरी है। सब पढ़ के जाएंगे, अगर आप पेपर वाले दिन आपको बुखार आ जाए, पेपर वाले दिन अगर आप, भगवान न करे ऐसा हो, पर आपको क्या हो जाए, फीवर हो जाए, हेडेक हो जाए, आप परेशान हो जाएंगे, तबीयत ख़राब हो जाए, इसलिए अपने आप को फिजिकली खाने, अच्छे खाने, हेल्दी डाइट्स लेने हैं, मेंटली कि मैं कर लूँगा। ठीक है, ये चीज़ें आपको फिट रखनी है, और आपको हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है दोस्तों कि हाँ मैं कर लूँगा, दिस इज़ आई एम गोइंग टू बी ए डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनने जा रहा हूँ बिल्कुल, क्योंकि मेरे अंदर वो, मैंने इतनी मेहनत की है साल भर, तो मेरे अंदर वो चीज़ है जो मैं एग्ज़ाम को क्रैक कर सकता हूँ। तो पॉजिटिव टेम्परामेंट्स के साथ फिट रहना बहुत ज़रूरी है आपके एग्ज़ाम के लिए। पहला तो सबसे फॉरमोस्ट पॉइंट यही होता है किसी भी एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। दूसरा पॉइंट कि आप अब लास्ट समय में, बहुत कम समय बचा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट करिए। ठीक है, टेस्ट सीरीज दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस लगाइए, ज़्यादा से ज़्यादा। अब थ्योरी छोड़िए, कंसेप्ट पढ़ना छोड़ दीजिए, अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स पढ़ना है, अब आपको रिवीजन सीरीज पढ़ना है। उसके लिए हमने प्लेलिस्ट में वीडियोस बनाई है दोस्तों, उसको आप एक बार देखिए प्लेलिस्ट में, वो आपके लिए कम समय में ज़्यादा रिवाइज कराएंगी, कम समय में अच्छा ज्ञान देंगी, 10 मिनट में अच्छे अच्छे ट्रिक बताएंगी, 10 मिनट में पूरा चैप्टर का रिवीजन होगा। तो आपको क्या करना है कि टेस्ट सीरीज लगाना है, उसके लिए आपको NTA का ऐप, ऑफिशियल ऐप आपको पता ही है, वहाँ से कर लीजिए टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई कोचिंग की ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है।
और एक चीज सबसे है जो स्पीड और एक्यूरेसी, सही करें और जल्दी करें, ये ज़्यादा मायने रखता है आपके एग्जाम के लिए, क्योंकि आपका एग्जाम 720 नंबर का है और आपको पता है कट ऑफ इस समय कितना ज़्यादा जा रहा है, 580 प्लस ही जा रहा है मान के चलिए। तो अगर आपको अच्छा करना है तो पहली बात तो आपको समय 180 क्वेश्चन होना बहुत बड़ी बात है दोस्तों, वो भी 3 घंटे के अंदर 180 क्वेश्चन करना बहुत बड़ी बात है। क्वेश्चन नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है तो आपके पास स्पीड होना चाहिए जल्दी करने की, एक्यूरेसी होना चाहिए ताकि 600 प्लस नंबर ला पाए, तो स्पीड और एक्यूरेसी आपके लिए मायने रखता है। जल्दी करें और सही करने का प्रयास करें, वो आपका यहाँ टेस्ट सीरीज से आएगा, एनटीए का जितने टेस्ट देते जाएंगे आपका प्रैक्टिस बढ़ता जाएगा, स्पीड बढ़ता जाएगा और टेस्ट बाय टेस्ट आप गलती करेंगे, सुधार करेंगे, एक्यूरेसी आपका बढ़ता जाएगा। मैंने वही बताया, मॉक टेस्ट सीरीज ज्वाइन करिए या कहीं का करिए या ना करिए, एनटीए का जरूर कर लीजिएगा, वहाँ ऑफिशियल भी है और आपका फ्री ऑफ कॉस्ट भी है। प्रीवियस ईयर पेपर्स को लगाइए, इससे आपको एक आइडिया मिलेगा। अगर आपको सॉल्यूशन चाहिए तो हमारे प्लेलिस्ट में पड़ा है, 2019-2018 का सॉल्यूशन प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पड़ा हुआ है। और भी किसी ईयर का चाहिए आप करेक्ट करने कमेंट करके बताइए, हम आपके लिए डाउनलोड करेंगे, बुक होगा तो आप डाउनलोड ले लीजिए उसको। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कम से कम आप 12 से 15 साल के क्वेश्चंस को लगाइए, इससे आपका एक तो पहले इधर बीच रिसेंट पैटर्न क्या है, ये कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, एग्जामिनर के माइंड को पढ़ने का तरीका बेसिकली आप समझ जाएंगे दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों उससे पहले आपको बता दूं कि चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसमें बहुत सारी सीरीज़ और बहुत सारी स्ट्रेटजी और बहुत सारा आपका वीडियोस चैप्टर वाइज हो गया या शॉर्ट ट्रिक्स हो गया, सब प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में पड़ा है और बार बार आता रहेगा, क्योंकि हमारी जो टीम है वो IITian मेडिकोज और एक्सपीरियंस टीचर की है, जो ऑफलाइन और ऑनलाइन में 3-4 साल से पढ़ा रहे हैं, तो हम आपके लिए ही ऑनलाइन आए हैं ताकि आपकी मदद कर पाए बेहतर तरीके से। इंस्टाग्राम पे हमसे जुड़िए, वहाँ हम बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट आपको दे रहे हैं, डेली क्विजेस करा रहे हैं दोस्तों। सातवां, फोकस ऑन योर वीकर एरिया। आपने टेस्ट दिया, पर टेस्ट देने का मतलब ये नहीं होता कि आपको 500 नंबर आया तो आप बस उसको लेके बैठ जाइए, उसको एनालाइज करिए आपका कहाँ पे कम आया कहाँ पे ज़्यादा आया, और इसके लिए वो बेहतर ऐप है, उसमें सब कुछ दे देता है आपको, कितने समय लिए, कितना ऐप में कितना टाइम लिए और कितना गलत हो गया, ये सब चीज़ें आपको उसमें पता चल जाती है, समझ रहे हैं। तो इसके लिए आप अपने जो वीक सेक्शन रह गए उन पे दोबारा काम करिए, आपने दिया फिजिक्स में कम रह गया तो अगली बार फिजिक्स पढ़िए कि फिजिक्स में कम ना आए, ये चीज़ रखना है दोस्तों। ये पॉइंट जो है आठवां सबसे इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि देखिए आपका जो एग्ज़ाम है ना, इसमें क्वालिटी नहीं पूछता है, क्वांटिटी नहीं पूछता है दोस्तों। SSC का एग्ज़ाम बैंक PO का एग्ज़ाम नहीं है दोस्तों, जिसमें आपको ये पूछ दे कि आप बहुत भरने से क्वेश्चन रहे, याद करने वाला रटने वाला क्वेश्चन है। कंसेप्चुअल क्वेश्चन आते हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री के बायोलॉजी के भी अब कंसेप्चुअल क्वेश्चन आने लगे हैं, तो आपको क्वालिटी ऑफ टाइम स्पेंड कितना कर रहे हैं ये ज़रूरी है। शॉर्ट ब्रेक्स लीजिए पढ़ने के बीच में, ये बहुत ज़रूरी है ताकि आपका माइंड रिफ्रेश रहेगा। मेडिटेशन करिए, समझ रहे हैं दोस्तों, ओवर स्ट्रेस नहीं लेना है, ये सब पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इन सबको पढ़िए आप अच्छे से, आपको मिलेगा इससे एक मोटिवेशन स्ट्रेटजी पाथ मिलेगा जो आपको बहुत ज़रूरी है। और फाइनली नर्वस नहीं होना है दोस्तों, पेपर अगर आप करके आते हैं आपके लिए टफ होगा तो सिर्फ आपका टफ गया, आपके लिए नहीं होगा, सबके लिए टफ होगा, तो ये रिलेटिव एग्ज़ाम है इसलिए आपको बिल्कुल डरना नहीं, जैसा भी पेपर जाए टफ जाए ईजी जाए वो सबके लिए वही चीज़ होता है, तो आपको बिल्कुल डरना नहीं है दोस्तों। दोस्तों ये वीडियो अगर आप इतनी सारी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हैं तो मुझे पता है, मुझे आशा है कि आप नीट क्रैक करके आएंगे, 600 प्लस नंबर लाएंगे और अगली साल एक मेडिकल कॉलेज में अपनी सीट को सुनिश्चित कर पाएंगे दोस्तों। चलिए मिलेंगे किसी ऐसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल।